तुमने इंतजार की मेरा पुत्र होगा और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूं। बेटा 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 आ जा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत ने सब बारा बाटा। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी, या कोई किसी का मात पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं हम, एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं फिर ना जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है या कोई और अन्य कारणों से किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। अब आपने देखा होगा कई भैंस दूध ना देती है, फिर उनका इंजेक्शन ठोकेंगे, पहले तो लठ मारेंगे ना, फिर इंजेक्शन लाओगे, फिर वाई फोर्स काटेंगे। तो इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि जो विष आज ये खा रहा है, समाज ज्ञानता के कारण कोई रिश्वत ग्रहण कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई प्लॉट दाब रहा है, कोई अटपट कर रहा है, तो कृपदास साहिब जी ने कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, पाई पाई का हिसाब है। तो यहां सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं गरीबदास जी परमात्मा के ज्ञान को इन पात्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कथा है कोई पात्र बनाकर ही वो सुनाई जाती है। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्तम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। होय होय, एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी मर गई, उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की मां भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे और मां दो थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने, के विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आदि संपत्ति का वारिस होगा, और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूंगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया, जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया वही मर गया, ठीक है बात समाप्त होगी। और एक वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी,
खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इकलौता पुत्र जमीन खूब उनका आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावे पिलावे और 12-13 वर्ष की 14 वर्ष की आयु होगी 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे, लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जाने जिसको जिसने बताया झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर सब जगह उन्होंने एक वर्ष इलाज कराया, मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म होगी और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अस्थि पिंजर शेष था। उसका पिता वहां उसके पास बैठा था, चारपाई पर लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियां तैयार करो, मैं अब जा रहा हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूं बेटा, भाई नहीं हूं। उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। अब क्या मतलब कि मैं आपका वही भाई हूं, तेरा पुत्र बनकर आया हूं, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आधी छोड़ दी है और अब मैं जा रहा हूं। के वाह भाई वाह। अब उसको उस समय धक्का लग गया, और कोई संतान नहीं उसके बाद, और इकलौता पुत्र मृत्यु को जा रहा है। तब उसने समझते देर नहीं लगी कि मेरे कर्म का फल आज भगवान ने मेरे सामने रख दिया, मेरा कुल नाश होगा, इस पृथ्वी ने कोई और बरतेगा, कोई और ही प्रयोग करेंगे। तब उसने कहा कि भाई साहब जैसा मैंने करा था भगवान ने सही सजा दे दी, मेरे जैसे दुष्ट को यह सजा भी थोड़ी लगती है। लेकिन एक बात बता, हमने तो जैसा करा था हमारे सामने आ गया कि हमारा इकलौता पुत्र मर गया, हमारा किया कर्म तो हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप संतोष हो जाएगा। लेकिन जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत, उसमें सती प्रथा थी, तो इसने कौन सा पाप कर दिया बेचारी बालक ने। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहां है जिसने मुझे विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, कि ये वही वैद्य की आत्मा है, इस दुष्ट को अब जिंदा फूंका जाएगा। यो कहकर वो शरीर छोड़ गया। तो गरीबदास जी कहते तुमने उतर गए का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। तो अब जितने भी आपके संतान है, संपत्ति जो भी बेटा या बेटी है, ये पिछले संस्कार से ही जुड़े हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ठाठ माने एक ऋण, एक दूसरे के लेन देन में आप एक बहुत आज परिवार रूप में बड़े ठाठ से रह रहे हो, और अंत समय सब बारह बाटा, कोई मर के गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई कहीं उत्पन्न होगा, कोई शुभ कर्मी होगा स्वर्ग चला जाएगा, उसके बाद नरक में आएगा, कहां गया वो परिवार फिर। तो हम केवल प्रेजेंट देखते हैं और सत्संग के अंदर फ्यूचर की भी जानकारी दी जाती है। इसको सत्संग इसलिए कहा है, इस संसार को छोड़कर जाने के बाद भी बहुत कुछ पचेड़ा है, उससे बचने के लिए संत और परमात्मा
ही यथार्थ ज्ञान दिया करते हैं, जो भगवान से परिचित है वो संत और या परमात्मा। तो जिनके आज संतान नहीं है लेकिन लोक वेद दंत कथा संसारिक परंपरा से हम इतने प्रभावित हो गए कि जिनका संतान नहीं है उनको एट एनी कॉस्ट संतान चाहिए। अब उनको इतनी प्रेरणा प्रबल कर दी जाती है समाज की एक रीति रिवाज से, उनके व्यंग कसने से, चर्चाओं से, तो वो सिर डड़की बाजी लगा देता है कि संतान हो बेटा हो। तो ये परमात्मा को भी मालूम है कि जीव के वश का नहीं है, और ज्ञान जो है ये सच्चाई है जो दास भगवान का दिया बता रहा आपको। अब जैसे बच्चे हैं माता पिता से खिलौने ही मांगा करते हैं, अब पहले बच्चे को खिलौना नहीं देता है तो वो शोर बहुत करता है, बेचैन होता है, तो माता पिता सोचते हैं चल खिलौना दे देते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको काम धंधे में लगाते हैं, कोई कॉलेज स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, तो फिर अपने आप उन खिलौनों से वो मुंह मोड़ लेता है। तो जो भी संसारिक संपत्ति आप मांगने आते हो, आप खिलौने मांगने आते हो, तो परमात्मा आपकी एक विशेष देखता है कि यो खिलौने मांगे हैं अब तो आपको लालच में लगाने के लिए वो खिलौने भी एक बार देगा, और कोशिश ये करेगा इस ज्ञान से समझाऊं कि अब बहुत जन्म हो गए आपने इन खिलौनों से खेलते हुए, अब कुछ और काम भी कर लो। एक व्यक्ति बता रहा था, दास एक जगह सत्संग कर रहा था, गांव गांव में जाया करते थे हम चौबारे में, भगवान गरीबदास साहिब जी की उम्र वाणी का पाठ करते थे, तीन तीन दिन उसके घर में सत्संग करते थे। वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया करते थे कि इनको भी कुछ छींट लग जाए ज्ञान की। एक व्यक्ति आया, उनका कोई रिश्तेदार था, वो छोटे से लड़के को साथ ले रखा, उसकी उम्र होगी लगभग 70 वर्ष और बच्चा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 वर्ष का। उसने सत्संग सुना ऐसा ही जो दास आज कर रहा है, 50-60 भक्त छत पर सत्संग सुन रहे थे, सत्संग के बाद वो निकट आकर बैठ गया, रात्रि का समय था। उसने कहा कि महाराज जी जो ज्ञान आपने सुनाया कति 100 का 100 साची है, मेरे 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी, लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़के भी ब्याह दिए, और बच्चे को अच्छा रोजगार भी ठीक था, और 4 साल के अंदर चारों मर गए, 2 तक कट्ठे एक दिन खेत पर मरे पाए, पता नहीं उसका आज तक कारण का पता नहीं था, और 2 फिर ऐसे ही बीमार हुए खत्म हो गए, 4 बहुएं चली गई। अब 70 साल की उम्र होगी, ये लड़की के लड़के ने लेकर टाइम पास कर रहे। मेरा आज समझ में आ रही आपकी बात, और उस समय ना आओ जब मेरे सारे ठाठ बाट थे। अगिया भी कोई बात कह रहे बड़का बिना कुकुर काम चल रहे, देखो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों में ना काम ना चल रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक जरूरी काम है जिसको आप कति छोड़ चुके हो और भूल चुके हो और इसी में व्यस्त हो गए हो, इतना ही काम मनुष्य का नहीं है, इसके साथ साथ और घना जरूरी काम है जिसको आप भूल गए, तो उसको याद कराया जाता है। तो नीरू नीमा निसंतान होने के कारण वक्त से घर तो निकला करते, कहीं रास्ते में कोई देखेगा तो मुंह मोड़ेगा कि इनका संतान को नहीं, ये बेसंतान है, इनकी शक्ल भी ना देखनी चाहिए, सुबह सुबह इनके दर्शन भी बुरे होते। तो कहने का भाव ये है, जिन भाई बहनों को संतान प्राप्ति नहीं है, यदि थोड़ा सा भी ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो समाज को ना देखना,
भगवान को देखो यदि आपने भक्ति और मोक्ष चाहिए। फिर भी परमात्मा देखेंगे कि ये थी, उनको आवश्यक समझेंगे आपको, तो ये खिलौना तो बहुत आसानी से दे देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। संतान से तो आपके हाथ जुड़वा देंगे यदि आप संतान में संतान आएंगे, तो बस करवा देंगे आपकी। एक बार पीछे आपने एक बहन का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो सन 2004 से जुड़ी हुई थी और समाज के भय से कभी तो ज्ञान सुनती थी तो दिल डट जाता था कि कोई बात ना, भगवान जो दे रहा सही दे। उसके पति ने नाम नहीं ले रखा था, जिस कारण से वो फिर भी तरफ यही रहती, भगवान संतान दे। तो उसके पिछले साल 2012 में इकट्ठी दो लड़की दी, वो अब 40 साल की, और ये दो लड़की दी। अब लड़की को भी नहीं मानते हम संतान, अभी 4 महीने पहले दो लड़के इकट्ठे फिर दे दिए, मगर ले अभी छक्के और देगा भगवंत ने। तो हम जो उद्देश्य लेकर सत्संग कर रहे हैं और आपको जो एक पहाड़ से दुख से बचाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज के डर से, समाज क्योंकि ज्यादा है और हमारा समाज अभी इतना फैला नहीं है ताकि आम व्यक्ति नो कहने लग जाए, भाई रोज सुनाते हैं ज्ञान भगवान का, परमात्मा दे तो धन है, ना दे तो रजा मालिक की, अपना मोक्ष कराओ, पीछा छुटवाओ। फिर भी परमात्मा को मालूम है कि ये दिल कितने दिन डटेंगे, और लास्ट में परमात्मा अगर सच्चे दिल से और आवश्यक समझेंगे तो देंगे, और ये सोचेंगे कि जिसको नहीं देना चाहेंगे और उसका मोक्ष ही चाहते हैं तो कतई नहीं देंगे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे नीरू नीमा को परमात्मा संतान दे सकते थे, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फंसाया उनको, क्योंकि उनको निकालना था, उनका वचन था उनके उसके पुत्र के साथ। और जिनको निकालना है परमात्मा दलदल में दोबारा पटक नहीं सकते। तो नीरू नीमा को संतान नहीं थी, वो उम्र 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, और जिस दिन परमात्मा मिले थे उनको, उससे पहले दिन कोई उसका रिलेटिव, कोई मित्र सहेली आ गई और उसने फिर उसका इंजेक्शन लगा दिया कि इसका नीमा के हे एक बालक तो भगवान ने, अल्लाह ने देना चाहिए था, तेरा भी संसार में साझा हो जाता, बता संतान बिना भी कोई जीवन है, बुढ़ापे में कौन उंगली पकड़ेगा, कौन संभालेगा, वृद्धावस्था तो बहुत बूंदी हो से। अब उस नीमा के वो इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और सुबह उठ के वो चाह रही थी नहाने के लिए, दोनों जने स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। नीमा रो रही थी और याद कर रही थी, एकांत में याद कराया करती शंकर भगवान ने, क्योंकि वो पुजारी उनके थे और मुसलमानों वाले ज्ञान से वो इतने रंगे नहीं थे, मुसलमान बना जरूर दिए गए थे। तो अपने शंकर भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरे घर में क्या पुत्रों की कमी है, मुझ नीच में कोई दोष है, दाता माफ कर दो, मेरा भी साझा कर दो, संसार में जिया नहीं जाता, हमारी शक्ल भी देखकर राजी नहीं बनता, हम कैसे जिएंगे, ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीबा, पहले तो हमारे संतान नहीं, और हमारे भाग्य में होती तो क्या भगवान से छुपा है, वो दे ही देते, अब रो रो के आंखों से अंधी और हो जाएगी तू, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, एक दुख और खरीद रही है, तो मत रोया कर, शांति कर, विश्वास कर परमात्मा अल्लाह पर, भगवान शंकर पे, अब जो उसने दे दिया उस पर सब्र कर। लेकिन वो नहीं मान रही थी, वो रोती ही जा रही थी। ऐसे वो गल्ला बातें करते हुए
उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान पहले ही विराजमान थे, लहर तारा नामक तालाब पर। सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूरा अंधेरा खूब होता है, और जब उजाला होता है तो उजाला भी शीघ्र ही हो जाता है। तू पहले नीमा ने स्नान किया कि तू अंधेरे अंधेरे में नहा ले। वह नहा के बाहर आ गई, तब नीरू स्नान करने के लिए उस रोर में प्रविष्ट हुआ। वो नहा रहा था, ऐसे मलमल गए पानी ऊपर डाल रहा था। नीमा अपना कपड़ा धोने के लिए गई दोबारा, जिसको बांध गन आई थी लपेट के। जो ही दोबारा सरोवर के तट पर पहुंची तो क्या देखा, सामने एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए थे, एक को ऐसे हिला रहे थे पैर को। नीमा ने देखा कोई सर्प है और फन उठाए खड़ा है। जब उसने गौर से देखा, पहले तो हिलने वाली स्थान पर ध्यान था, फिर ध्यान गया कि तो बच्चा है, ये तो बालक है। उसने कहा देखियो जी, बालक डूबेगा, बालक डूबेगा। अब नीरू नहा रहा था और वो चर्चा चलती आ ही रही थी, तो नीरू ने कहा कि नीमा तू पागल होगी, मेंटल होगी इन बच्चों के मुंह में, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, तो मान जा मेरी बात, मत दुखी हो। तो उसने फिर जोर से कहा कि देखो जी मैं सच्ची कह रही हूं, देखो इधर सामने देखो तो एक बार। जब उसने ऐसी कसक से कहा तो उसने देखा तो सामने सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, कि बालक डूब ना जा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया उसको और उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब जब वो स्नान करके बाहर आया, तब तक तो नीमा उसको कभी सीने से लगा रही थी, कभी उसके मुंह को चूमे थी, जैसे माँ प्यार करा कर बालक के। अपनी आत्मा जिस भगवान के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए, शरीर खपा दिए तप तप करके, और जिसके लिए हम सभी भटक रहे हैं, और वो कितना सुखद है जिसके लिए हम कुछ को खोद रहे हैं, और वो परमात्मा जिसके नाम लेते नाम मात्र से और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लगाव प्यार में, और वो परमात्मा एक माई की गोदी में जिस आत्मा के हाथों में और सीने से लगा हो, उसके सुख का जो अनुभव वो करेगी वो अवर्णनीय है। हम तो उनके दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं कि बाप परमात्मा और जिस आत्मा की गोदी में, ओए होए होए, धन्य है उसके संस्कार, धन्य है वो पुरानी, और वो बोल से चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है और शुक्र बना रही है शंकर भगवान के। तो उसमें वो दृश्य आंखों के सामने घूमता है तो आंखों में आंसू आती है। गरीबदास जी ने उसके विषय में अपनी वाणी में चित्रित किया है, उसको सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, 84 बंधन कटे वो किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए, शब्द स्वरूपी साहब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु मैं बार बार बलि जाही। ते
कहते हैं सेवक होकर उतरे वो परपूर्ण परमात्मा, दास बनकर कबीर दास, कबीर दास कहाया करते थे। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उदाहरण है, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं इस परम पिता परमात्मा पे, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधार, देसी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हरियाणवी भाषा में बोला है कि अधर अधार ऊपर ते नो के नो उतरे आ गए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं जो जननी जने नमाए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जल में दीदार। मोमिन माने उस मुसलमान को। गरीब कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चोम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करो जस दमक पन पदम अनंते। अब नीमा ने कहते गोद लिया मुख चूम के, माँ ने जैसे बच्चे का प्यार करती है, ओए होए अपने आत्मा। जिस आदमी का उद्देश्य यही था कि संतान मिले, संतान मिले, आप आगे दाता उसके लिए, लेकिन उसको संतान नहीं दी क्योंकि परमात्मा ने उसको पार करना था, वचन था, वायदा था कि इसको पार करूंगा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं। किसको? नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म के पुत्र सुदर्शन जी थे, उनसे परमात्मा का प्रॉमिस था, तो इसलिए मालिक ने उनको कति नहीं दिया संतान, क्योंकि उनको पार करना था। और ऐसा ना समझना पुण्यात्माओं के संतान है वो पार नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय परमात्मा ने ये सभी मंत्र थे सार्वजनिक नहीं करने थे, जिस कारण से परमात्मा बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही थी। और अब तो ऐसा मंत्र है परिवार भी सत्य पार होगा, कति सारे पार होंगे, 101 पिंडी पार होगी, बात तो खत्म है। अब क्या कहते हैं, उसके बाद लड़के को नीमा इतना प्यार करती है, उधर से नीरू के मन में बहुत सी खुरापात उत्पन्न हुए समाज की तरफ से कि पहले तो हम हिंदू थे मुसलमान बने बाई फोर्स, अब ना हिंदुओं से मित्रता, मुसलमानों से हमारा विशेष संबंध बना नहीं, यानी हमारा कोई नहीं संबंध। जब बनता है पुत्र पुत्री होती को रिलेटिव बढ़ जाते, यानी आपस में कुछ थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाती, तो उसने सोचा कि अब यदि हम इस पुत्र को बच्चे को घर लेकर जाएंगे, गांव नगर के लोग पूछेंगे कहां से लाए हो, हम कहेंगे कमल के फूल पे, लोग इसने कति नहीं मानने का चिन्ह कमल के फूल पे, और बालक रुक सकता है? झूठ बोलते हो, इस बच्चे को भी छीनेंगे और हमें नगर से भी निकाल लेंगे। जिस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा अपनी खैर इसी में है, इसको यहीं रख दो, और सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हो सकता है। नीमा कह लगी मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी ले लूंगी, और इसको कोई मुझसे छीनेगा तो मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूंगी, मैं जी नहीं सकती, ना जाने इस बालक ने के जादू कर दिया, मैं प्राण त्याग सकती हूं, इसने छोड़ूंगी। अब नीरू कहने लगा कि तू बिल्कुल मानती नहीं, अनाड़ी होगी है, जिद घना करने लगी, आज तक मैंने तेरी प्रत्येक बात को माना, यही जानकर के संतान हमारे है नहीं, इसका और कोई सहारा नहीं, और तेरी प्रत्येक बात को मैं यश करता रहा, चेतने उल्टी कही चे सुल्टी कही, जिस कारण से तेरी हठ घनी बढ़ गई, और आज मैं तेरी कति नहीं मानू, तेरे दो थप्पड़ धरूंगा।
तो बिल्कुल आगा पीछा नहीं देखती है। तो ऐसा करके हाथ कराया था अपनी पत्नी की तरफ पहली बार जीवन में। उसमें परमात्मा ने कहा कि नीरू चिंता ना कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे घर ले चलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब नवजात बालक बोले, वो नो का नो हाथ रह गया उसका, नो का नो डट गया। और उसने सोचा ना जाने कोई फरिश्ता है, ना जाने कोई सिद्ध पुरुष है इसमें, और तुझे हानि ना करते इस डर से आगे आगे चल पड़ा, घर ले आए। अब वो पूछ रहे हैं कहां से लाए, कुन सच्ची बता दी, कमल के फूल पर हम नहान गए थे सुबह जाते, और अब लोग ये तो भूल भाल गए कमल के फूल पर कैसे हुआ फलाना हुआ। उसकी सुंदरता देखकर मालिक का इतना सुंदर चेहरा था, जैसे कति स्नो व्हाइट, सफेद कलर था मालिक का, सफेद बर्फ जैसी सफेदी, और इतना जगरमगर चेहरा करे न्यारा सा बालक दिखे। तो सभी कहते हैं, गरीबदास जी ने लिखा है, परमात्मा की महिमा की कबीर सागर में भी ऐसा लिखा है, सारी काशी के लोग नु देखण आवे। जैसे पहले हमारे क्षेत्र में कोई लड़की को विदा करते थे तो उससे पहले उसका दहेज दिखाया करते थे, उसके कपड़े को पूरे टांग दिया करते, नुमाइश लाया करते, तो गांव की सारी औरतें गीत गाती आया करती देखण खातिर क्या क्या दिया है। या किसी की पुत्र वधु को लेकर आती थी दहेज, उसको भी पहले नुमाइश लाया करते सारे। तो ऐसे आ रहे हैं नगर के लोग, एक नीरू का इतना सुंदर बालक, उसको इतना अच्छा लड़का दिया भगवान ने, ऐसा बालक कभी देखा ना सुना। इवन काशी का राजा भी और दिल्ली के बादशाह को जब पता चला, वो भी देखने के लिए उस बालक को गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब कहने का भाव ये है कि वो तो भूल गए कि भाई कौन है, कैसा है, क्यों मिला, क्योंकि मालिक ने जो खेल खेलना उसने कौन रोक देगा। काशी उमटी गुल भया, काशी की पूरी नगरी उमड़ के शोर मच गया सारे शहर में। मोमन का घर घेरे, उसका घर घेर लिया, लाइन लगी। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कहती हूँ आम आदमी को ना, ये तो कोई अवतार आया है, कोई कहे ब्रह्मा कैसा है, कोई कहे विष्णु दिखे, कोई कहे तो कुबेर का अवतार दिखाई देता है, कोई कहे वर्णधाम राय है, कोई कहते है ईसे, सोला कला सुभान गति, कोई कहे जगदीशे। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, ओए होए, एक एक शब्द सुख संवेद का ध्यान से सुनना। भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए यथार्थ ज्ञान को स्वयं लेकर उतरे, भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, ओए होए, ऐसी भक्ति लाए जिसे तीन ताप भी नष्ट होंगे, और उससे पहले जो साधना आप कर रहे थे उससे तीन ताप नष्ट नहीं होते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दिया था, ये तीन ताप के अंदर आते, कोई श्राप दे दे, कोई छू मंत्र कर दे, कोई किसी का भूत छोड़ दे, घाल घाल दे, या कोई और देव रुष्ट हो जा, उसका इलाज केवल कबीर साहब के पास है इस भक्ति से। तो नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, उसके श्राप वश उसने श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया और पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। फिर श्री राम ने तीर मारा था बाली के, और बाली वाली आत्मा ने फिर श्री कृष्ण जी को उसके पैर में तीर मारकर उसका वध किया था, उसका टिट फॉर टैट भी दिया। अकेले का भाव यह है कि यहां गरीबदास जी कहा करते हैं, जब तक तुम सत भक्ति नहीं करते तो तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तीनों तापम। तो यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों तापे,
मोमिन को डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप, उसको पिता कहता है। बाप कह रहा भगवान किसको? मुसलमान जुलाहे को, धानक को। दूध न पीवे न अन्न पके, मैं पलने झूलनते, अगर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब कोई कहे छल ईश्वर नहीं कोई के मर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मातरसाए। ये खलक मुलक देखने गया ये राजा प्रजारी तो सब देखने के लिए जा रहे हैं परमात्मा को, और जम्बू द्वीप जहानों में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू द्वीप हिंदुस्तान में वो परमात्मा आके उतरे। जम्मू नहीं कि देखो जम्मू समझ ले, दुनिया कहे ये देव है। अब दुनिया तो यूं कह रही है देवता है, जब यहां शोर मचा है तो ऊपर के देवता भी झांके नीचे ने के कोई खास विशेष क्यों हो रहा है। तो यहां कह रहे हैं दुनिया कहे ये देव है, और देव कहते हैं ईश, और ईश कह ये पार ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व भी से। अब फिर क्या बताते हैं, जब कुछ दिनों के बाद फिर लड़के का नामांकन करना था, अब क्योंकि मुसलमान काजी आए उनका नाम रखने के लिए, अब कैसे रखते हैं, जैसे पवित्र कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं, और खोलते ही जो प्रथम अक्षर आता है उसी पर नामांकन करते हैं। तो उन्होंने जो वो प्रश्न खोला तो सूरत फुरकान निकली 25 नंबर, और जिस पृष्ठ को उन्होंने खोला उस पर कबीर शब्द था, कबीर प्रथम अक्षर लाइन का पंक्ति का। तो उन्होंने सोचा नहीं, अब जैसे क्या है कि अब हम हिंदी में लिखा हुआ पढ़ा था ना कबीरन, तो वो उर्दू में उल्टा चला है, पहले कबीरन से शुरू होगा, वो शुरू में कबीर लिखा था। और कबीर एक महान नाम मानते हैं ये, और भगवान का नाम मानते हैं, तो एक छोटी जाति जुलाहे के लड़के का कबीर नाम रखना उन्हें उचित नहीं समझा। ये तो बड़े घरानों में रखने योग्य होता है जहां अच्छी पूजा मिले, और खुश हो जाए वाह बड़ा नाम काट दिया काजी ने, मुल्ला ने बड़ा नाम निकाला, 100 रुपये फालतू दे दो। तो उन्होंने उल्टी एक कुरान बंद कर दी, दोबारा फिर खोली। अब पहले तो एक पंक्ति का पहला अक्षर था, फिर उस पृष्ठ पर सारे पर कबीर 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 लिखा पाया। अब काजियों ने फिर बंद करी, फिर दोबारा खोला, वह सॉरी पर कबीर कबीर। अब वो ये भी नहीं सोच सकते कि मिस प्रिंट है, वो तो रोज पढ़ा करते उसने। आखिर में कुरान भी वही पटक दी कि श्री वीरा ने के जादू जंत्र जान है, और महाराज इसने पुस्तक के लेख भी बदल दिए। तो परमात्मा ने कहा कि मुल्ला और काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब गरीबदास जी कैसे बता रहे हैं, काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं वे। सकल कुरान कबीर है हर्फ लिखे जो लेखे, और काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। कि हमारा धर्म बिगाड़ दिया इसने, सारी कुरान में अक्षर बदल गए। कहते सकल कुरान कबीर होगी, सारी कुरान में कबीर कबीर, हरफ लिखे जो लेख, और काशी के काजी कहें ये हमारी गई दीन की टेक। दूध ना पीवे ना अन्न बखे, और ना पालने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं,
कि परमात्मा ना कुछ खावे ना पीवे और स्वस्थ ऐसा जैसे कमल का फूल रोजाना बढ़िया करे। जैसे कमल के फूल में एक ऐसी क्वालिटी दी है भगवान ने, ऐसा गुण है। कमल का फूल किसी सरोवर में हर पानी 2 फुट है और उसमें कोई जल डालना शुरू कर दे, जैसे नहर का पानी कई बार सरोवर में छोड़ दिया करते थे, तो वो साथ के साथ बढ़ेगा ऊपर, चाहे 5 फुट पानी और हो जाए और साथ बढ़ेगा कती बिल्कुल ऊपर ही रहेगा। तो यहां गरीबदास जी बता रहे हैं कि दूध ना पीवे ना अनबक है और ना पालने झूलंत अदर अमान ध्यान में, और कमल कला फूलंत है, कमल की तरह फूल रहे थे यानी स्वस्थ हो रहे थे और कुछ खा पी नहीं रहे। अब 25 दिन के भगवान हो गए लीला में शरीर में और नीमा घनी चिंतित होगी। उसने मान लिया कि बालक जीवे को नहीं, बिना खाए पिए बालक जिया करे, ये तो कुछ क्षणों का है। तो उस दिन वो बुरी तरह रो रही थी, रो तो कई दिन से रही थी, उसने और विशेष तरफ लगाई और फाइनल कर लिया कि हे शंकर भगवान, क्योंकि पुजारिन शंकर भगवान की थी, वो तो अपने हृदय में मान चुकी थी कि शंकर भगवान ने दिया ये पुत्र है। देखो अब गरीबदास जी कहते जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लिखा, जो कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं और शंकर जी के नंबर बनन लग रहे। अब हमारे साथ ऐसे बन रही थी जैसे दास श्री कृष्ण विष्णु जी के पुजारी थे, हनुमान जी के पुजारी, वो साधना सब के गट जोड़ रहे थे और घर में जो भी सुख होता था, कक्षा में पास होते थे, नौकरी मिली, बच्चे हुए, संतान हुई, तो इन भगवानों को क्रेडिट दिया करते कि हम इनके पुजारी हैं, ये दे रहे। अब पता चला ये कुछ दे ही नहीं सकते ना ये ले सकते, हमारे संस्कार फल रहे थे। और दे रहा है कौन, वो देने वाला तो वही है जो सबका रक्षक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष अक्षर पुरुष तो ये बताइए, ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर। और जो तीसरे प्रकार का परमात्मा बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरह अविश्वृत्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सब लोकों में प्रवेश करके है, वो है परमात्मा वास्तव में। तो ये कर तो ये मालिक रहे थे और वो क्रेडिट दे रही थी श्री शंकर भगवान को और शंकर भगवान को याद कर रही है। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के वो आप बगल हो जा। अब परमात्मा ने क्या किया, उधर से भगवान शंकर को प्रेरित किया, शंकर जी आए एक साथ दो रूप बना के और वहां आके नीमा से कहने लगे, माई तू भगवान को याद करके क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है। उसने रोती रोती ने संत की तरफ देखा और उन्होंने 2-3 बार कहा, माई बताओ क्या बात है। इतनी हिचकी लग रही थी कि वो कहने लगी, महाराज अब ना सुने मेरे दुख ने। अब उसने सोच लिया, बाबा जी क्या करेंगे, जो भगवान ने दिया और भगवान ने वापस ले रहा है, तो कहने लगी कि आप मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा, माई यूं कहा करें, कोई अपने दुख ने दूसरे को बता दे, कुछ हल्का हो जाया करें, हो सकता मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकूं तेरी, बता दो। तब उसने रोते रोते बताया कि हमारा संतान नहीं थी और एक दिन विशेष कसक से मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, इन्होंने कमल के फूल पर मुझे एक पुत्र दिया। शंकर भगवान ने तो पता भी कोई ना, ये सांग के हो रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बंटी भदौरिया। कहाँ से आए हैं सर? हम भिंड मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 14 नवंबर 2005 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भगत जी हम ये जो तीनों देवी देवता और हनुमान जी ये सारी साधनाएं जो पूर्वज हमारे करते आ रहे थे
और यही साधनाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी, और रामायण को पढ़ना, तो यही साधना सारी हम करते थे। तो सर, जो देवी देवताओं तथा आपके पूर्वजों द्वारा बताई गई साधनाएं आप करते थे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन सब साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और जिन लोगों ने या जिन महात्माओं ने जो साधनाएं बताई थी, वो उनको जब हम देखते थे कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे वो तंबाकू खाते और गुटखा भी खाते, तो मुझे ये लगता था कि ये मुक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताने वाले, जब ये धर्म साधु जो हैं और ये संत हैं, जब ये ही नशा कर रहे हैं तो ये मार्ग क्या देंगे, मेरे मन में ये विचार आता था। लेकिन फिर भी हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, वहां बैठते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे, और कई बार हम देखते थे कि मंदिर में जो महंत जी बैठे हैं, जब वहां ज्यादा लोग नहीं होते थे तो वो कहते थे, बेटा हमारे लिए आप पुड़िया ला दो या तम्बाकू ला दो, तो हम उनके लिए उस मंदिर से दो दो तीन तीन किलोमीटर पैदल चल के वहां से नशीले वस्तु लाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि किसी के लिए मना करना पाप होगा, इसलिए हम उसकी कहा मानते थे और हम उसको सेवा समझ के करते थे, और उससे हमें लाभ कोई नहीं हुआ और हमें नुकसान ही होते रहे। नुकसान ये होते रहे कि हमें परमात्मा का सत्ज्ञान नहीं मिला, और हम उन क्रियाओं को करते थे कि इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं होती थी, और ज्यादातर जो कष्ट है वो ज्यों के त्यों बने रहते थे। जैसे घर में क्या था कि पिताजी हमारे किसान हैं, और जैसे भैंसों का मर जाना कई बार, या घर में बीमारी का बना रहना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती थी, तो उसके लिए हम डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते थे, और जो पैसा था तो पिताजी किसान होने के कारण वो साल में एक बार अनाज को बेचते थे, फिर बीच बीच में कर्जा भी लेना पड़ता था, जिससे क्या है कि हम बहुत तंग थे और परेशान थे, और उस समय हमारी शिक्षा चल रही थी, और बचपन में हम जब 2 साल के थे तो उस समय मैं विकलांग हो गया था, मुझे पोलियो निकला हुआ था, तो उसमें भी हमारे घर वालों ने काफी सारा खर्च किया, और वो इलाज कराते रहे, जहां भी उनको जो भी मिलता था वो इलाज कराते थे और दवा भी दिलवाते रहे, तो इससे भी हमारे माताजी और पिताजी काफी चिंतित रहते थे, और उन्हें पढ़ाते समय भी ये चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या इसका भविष्य खराब होगा, इसको कैसे आगे इसका जीवन पालन पोषण होगा, तो ये काफी सारे दुख हमारे घर में बने हुए थे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें 2005 में अप्रैल के माह में हमारे एक भाई हैं श्यामदास जी, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्होंने को 2 पुस्तकें मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, गहरी नजर गीता और प्रभु की परिभाषा। तो जब वो गांव आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं उस साधना से न तो हमारा मोक्ष होगा और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, भगत जी ये बात आप कैसे कह रहे हो, अभी तक तो आप हमें बताते थे कि यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी हनुमान जी ये ही प्रधान है, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा आज आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप बता रहे हो कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे वो ज्ञान मिल गया परमात्मा का, और वो परमात्मा मिल चुके हैं, और जिससे हमें पता चला कि ये जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो भक्ति साधना हमारी सार्थक नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा, भगत जी इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये प्रमाणित ज्ञान है पूरा शास्त्रों के आधार पर, वेद, गीता, कुरान, बाइबल और सभी पुराणों सदग्रंथों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान है। तो मैंने जब वो 2 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ी, तो उनमें गहरी नजर गीता में मैंने पढ़ा कि परमात्मा ने बताया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, कि वो भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है, और उसका 3 बार में मंत्र दीक्षा होती है, और 3 प्रकार की ही उसकी विधि है। वो पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने वेदों में मिला के देखा, तो वेदों में कबीर साहब को कबीर परमात्मा लिखा गया है, कबीर अंगारियसी बम्बारियसी बिछड़वे तवा सोमस्य तनुरसी, तो वो परमात्मा सह शरीर है। तो जब मैंने ये मिलान किया तो मुझे निश्चय हुआ कि ये सही है। और फिर मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा जो अक्सर लोग करते हैं, मैंने कहा भगत जी लोग यहाँ कहते हैं कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, किया हुआ कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी किया हुआ कर्म अगर हमें भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे। तो मैंने उनसे कहा ये बात ठीक है, तो मैंने कहा क्या कर्म कट जाएगा? तो उन्होंने बताया कि बोले कि सत भक्ति में परमात्मा आपके पूरे कर्मों को काट देता है। मालिक कहते हैं कि यो चिन्हजगारी अग्नि की परी पुराने घास, जैसे पुराने घास में कोई माचिस की तीली लगा दे तो वो सारा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा से नाम उपदेश लेने के बाद आपके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं
और आपका सतमार्ग और भक्ति मार्ग आगे चलने लगता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और आगे चल के आपको मोक्ष मिलता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमारी वो भजन की पूंजी है, जो कमाई है वो एकत्रित होती है। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है भगत जी, फिर हमें नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, भगत जी, गुरु जी का पूर्णमासी और अमावस को सत्संग होता है महीने में 2 बार, तो करौथा आश्रम में आपको वहां रोहतक चलना पड़ेगा, वहां से नाम उपदेश लेना है। फिर मैं नहीं जा पाया उस समय, भगत जी भी अहमदाबाद चले गए। तो फिर कुछ समय बाद मेरे के अंदर प्रेरणा हुई कि परमात्मा से नाम हो जाता तो ये जीवन सफल हो जाता। तो मैं काफी रोया, फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा और तो कोई ले जाने वाला है नहीं और आप ही ले जा सकते हो। परमात्मा के पास पहुंचे, वहां हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही घर आए, तो घर आके हम परमात्मा की पूजा करने लगे। पिताजी से मैंने कहा, हम अपनी पूजा करेंगे, आपको जो करनी है वो आप करिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अगर हम बताने लगे तो 3 दिन निकल जाएंगे, तब भी पूरे नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके जैसे ही हम घर आए, तो हमारी माता जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमारी तबीयत खराब है और आप हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और हमारा उसी दिन आश्रम से आना हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, माता जी ऐसा करते हैं, आज रुक के अगर अपन कल चलें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं, कल चले जाना। तो भगत जी ने हमसे एक बात कही थी कि ये खरा परमात्मा है और ये सबका रखवाला है और इसको कभी भी आप अजमा सकते हो। तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा भी देखना पड़ेगा घर पे है कि नहीं, नहीं तो पिताजी से बोलना पड़ेगा, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई, मैंने कहा, गुरुजी आप ही ठीक कर दो। फिर उसके बाद हमने माताजी को दूसरे दिन कहा, हमने कि चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माताजी ने कहा कि आज हमें आराम है। तो मैंने कहा, आराम है तो ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। उस दिन से आज तक हमारी माताजी को वो बीमारी नहीं हुई। ये दास जो आपके सामने खड़ा है सर जी, तो ये परमात्मा की ही कृपा है कि आज हमें यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो मालिक ने, हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट हम ग्वालियर से सीहोर के लिए जा रहे थे, तो भोपाल के नजदीक कुरावर थाना पड़ता है, वहां बैगनार गाड़ी हमारी ट्रक को बचाते हुए रोड से नीचे उतरी, डिसबैलेंस हुई, तो पुलिया में 10 फीट गहरी खाई में गई। उसमें दास हमारे खरोंच भी नहीं थी और हमारे साथ में जो एक और व्यक्ति था वो वहां खत्म हो गया। तो परमात्मा को हमने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दंडवत किया, हमने की जय हो बंदी छोड़ गई, पर आपने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया और वो हमें वहां परमात्मा जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार हमारा बस से पलटी थी, हम उस समय बोनट पे सामने बैठे थे, तो तब भी परमात्मा ने हमें बचाया, दास के खरोंच भी नहीं थी। और ऐसे कई अन्य लाभ हुए। फिर 2013 में आके हमारी बाइक से टक्कर हुई, तो उस बाइक में 12,000 रुपए का काम आया। तो जब एजेंसी लेके गए, तो एजेंसी मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक है, ये समरनी है, तो वो मेरे से बोलता है, बोले कि इसको चला कौन रहा था? तो मैंने कहा, इसको हम ही चला रहे थे। तो उसने कहा कि आपके तो खरोच भी नहीं है। तो मैंने कहा, ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, और इसलिए हमारे कोई खरोच नहीं है। सर जी, हमें परमात्मा ने नौकरी दी, जो सरकारी नौकरी दी, और मध्य प्रदेश के ऑडिट विभाग में हमारी जॉब है। और परमात्मा ने हमारा जो पैर विकलांग था, इसमें भी मालिक ने सही कर दिया, हम आज चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं है, अच्छे से चल फिर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार में भी 4 नौकरी लगी उस समय, एक मेरी, 2 भाभियों की, और हमारे भाई साहब जो साजापुर में टीचर हैं, श्याम सुंदर दास, उनकी भी नौकरी लगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें इतने लाभ प्राप्त हुए और उससे आज पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नशा करते थे, गुटखा खाते थे, वो भी गुटखा छोड़ गए। हमारी दादी 83 साल की एज की थी, तो वो उन्होंने 9 साल की उम्र से तम्बाकू खाई थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी उपदेश लेने के बाद तम्बाकू छोड़ दी, और 70 साल के पीरियड में उन्होंने तम्बाकू नहीं छोड़ पाए, लेकिन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद उन्होंने तम्बाकू छोड़ दी और उन्होंने अच्छे से भक्ति कर रही। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे ताऊ जी भी, जो रामायण का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन तम्बाकू वो अवश्य खाते थे। हमने उनसे पूछा कि आप नशा करते हैं, आप भक्ति भी करते हैं? तो उन्होंने कहा, इसमें क्या है, ये तो हमारे गुरु जी भी खाते थे। तो मैंने उनसे कहा, फिर आपकी ये सतभक्ति नहीं है, सतभक्ति तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, फिर हम गुरु जी से नाम लेंगे। तो आज भी वो गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद सारे नशे पत्ते उन्होंने छोड़ दिए और आज परमात्मा की दया से सारा परिवार भक्ति कर रहा है और सब सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं
और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोगों के अकाउंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि संत रामपाल जी से आज अंधविश्वास ही लोग जुड़ते हैं, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझा है, जाना है, और उस सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी लोगों को इतने सारे लाभ हो रहे हैं कि एड्स, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर जैसे नामुमकिन बीमारियों का ऐसे इलाज होता है कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कई बार इस तरीके के मरीजों ने अब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद जब अपने चेकअप कराए हैं, सतभक्ति की है, तो फिर वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं और इस चीज से अपना विज्ञान भी हैरान है। क्योंकि जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टरों को जब पता चलता है कि ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार की हम आपको घटना बताते हैं, हमारी बहन जी को बीमार हो चुकी थी, तो बीमारी में क्या है वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 8 दिन से, उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और हमारे पिताजी ने उनको तब तक उपदेश नहीं दिलाया था। तो एक भगत जी थे, उन्होंने कहा भगत जी ऐसे पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, बहन जी को उपदेश नहीं दिलाया, तो मैंने भगत जी अभी पिताजी ने नहीं दिलाया है, तो बोले कि उनसे पूछ लो, अगर वो उपदेश दिला देते तो उनको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाए। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी गुरुजी से अगर अपन अरदास लगा देते हैं और गुरुजी से नाम उपदेश दिला देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी बहन जी को परमात्मा ने हॉस्पिटल में ही दर्शन दिए और मालिक ने कहा बेटा आप ठीक हो जाओगे, आश्रम आके उपदेश ले लो। तो वो बहन जी उसी रात स्वस्थ हो गई। मेरे पास रात 2 बजे फोन आया पिताजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर दिए हैं दर्शन। और उसके बाद फिर पिताजी से मैंने कहा, डिस्चार्ज कराने के बाद सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हमारे यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर है पीसी जैन और बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं 85 साल की उम्र के। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ पहला वाकया है कि ये बच्ची रात के चलने के लिए भी मोहताज थी, जो आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर में भी 19-20 की कमी नहीं थी। तो फिर पिताजी से मैंने कहा कि इसको डिस्चार्ज करा के जो दवा दी है वो ले लेते, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि अब तो परमात्मा ने ठीक किया है, परमात्मा की शरण में ही जाएंगे। और फिर पिताजी ने, बहन जी ने, दोनों ने उपदेश ले लिया। और इसी चीज को देखते हुए आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से लोग ज्ञान आधार पर, और जब लाभ होते हैं लोगों को तब परमात्मा से स्वयं ही मालिक की शरण में वो चले जाते हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए तथा आज भी आपका उनमें अटूट विश्वास है, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, दास समाज को संदेश क्या अनुरोध कर सकता है, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये सारा भगत समाज, जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन पे पीली पट्टी भी आती है, उस पे नंबर आते हैं, तो उन पे वो अपने नजदीकी नामदान सेंटर जहां से दीक्षा प्राप्त होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा पूरे समाज से कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अगर किसी को सुख शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं, पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं है। सत ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सर्व समाज से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र, विलंब ना करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।